हेलो एवरीवन, आज उज्ज्वला किचन में बनने वाला है आलू और बोड़े का बहुत ही स्पाइसी सी सब्जी। ये हर किसी के घर में हर रोज़ बनाई जाती है, बट ग्रेवी वाली बनानी हो तो किस तरीके से बनाएं पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को हलवाई वाले शेप में कट करना है, थोड़े बड़े बड़े से। एक आलू में चार भाग, फिर बोड़ों को भी थोड़े से बड़े बड़े ही कट करने हैं। प्याज दो ले लेनी है, एक टमाटर, हरी मिर्च आप ले सकते हैं, नहीं तो आप कश्मीरी मिर्च भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कढ़ाई में सरसों का तेल, आप जो भी तेल यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं जो खाते हो आप। फिर उसमें हरी मिर्च डालेंगे, हल्का ही ब्राउन करेंगे, प्याज भी डाल देंगे। प्याज के साथ ही आपको बोड़ों को ऐड करना है, नहीं तो आपकी प्याज पहले ब्राउन हो जाएगी और बोड़ों हमारे बिल्कुल भी नहीं फ्राई हो पाएंगे। तो इस तरीके से प्याज और बोड़ों दोनों एक साथ करके भुने तो दोनों बराबरी के बढ़िया से फ्राई करके हो जाते हैं, भुन जाते हैं। मतलब दोनों एक साथ भुनने में यही आसानी होती है कि हमारी दोनों चीजें एक साथ भुनना आसान हो जाता है। और देखिए प्याज भी हमारी उसी हिसाब से भुनी हुई है जिस हिसाब से आपको बोड़ो भुनना है और प्याज को फ्राई करना है। तो फिर उसके बाद जब हमारे बोड़ो और प्याज अच्छे से भुन जाए, उसके बाद इसमें हमें आलू ऐड करना है और टमाटर। आलू टमाटर एक साथ, बोड़ो प्याज एक साथ, दोनों चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनने वाली है, इसे एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग सी बनती है और हर किसी के घर में दो दिन, तीन दिन, चार दिन के गैपिंग के बाद जरूर बनाई जाती है। तो इस तरीके से एक बार बनाएं, यकीन मानिए पूरे परिवार के लोग आपकी इस रेसिपी की तारीफ करेंगे। तो इसे भुनने का प्रोसेस आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि भुनते वक्त ये ध्यान देना है कि हमारी सब्जियों में जो पानी का मॉइस्चराइजर होता है वो बिल्कुल भी निकल जाए और हल्का सा लगे कि नीचे से पकड़ने का प्रोसेस आ गया, तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में क्या क्या ऐड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक चम्मच का तिहाई भाग आपको कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करना है, डेढ़ चम्मच आपको गरम मसाले, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और पीने वाले गिलास से, जिस गिलास से आप पानी पीते हैं उसी गिलास से आपको दो गिलास पानी इसमें ऐड करना है, बट अभी मैंने एक गिलास ऐड किया। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक गिलास ऐड करके, उसके बाद मैं एक गिलास पानी और ऐड करूँगी, तब इसे हमें अच्छे से पकाना है और एक इतना पकाना है कि एक गिलास के पानी के प्रोसेस में आ जाए हमारी सब्जियाँ, क्योंकि मसाले और सब्जियों का ये जो टेस्ट होता है ना बहुत ही परफेक्ट सा होता है। क्योंकि मसाले और ग्रेवी पकाना बहुत ही आसान होता है, बट ये इस तरीके से थोड़ा सा मसाले ऐड करके अगर पानी के साथ पकाएँ तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लाते हैं। तो इस तरीके से पकाएँ, जब एक गिलास पानी आ जाए, आपके लगे कि एक गिलास पानी बच गया है ग्रेवी में, तो हम इसे हल्का सा आलू को, दो चार आलूओं को इस तरीके से हल्के से दबा के कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से करने से ग्रेवी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। धनिया की पत्ती अगर ऐड हो जाए तो हर सब्जियों में चार चांद लग जाते हैं। तो इस तरीके से बनाना बहुत ही आसान होता है। अब हमारी ये सब्जी बिल्कुल परफेक्ट सी बन के रेडी हो गई है। अब इसे हमें पकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो लास्ट में एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला आता है वो लास्ट में ऐड करके इसे उतार सकते हैं, बट मैंने कुछ भी नहीं किया, आप भी ना करिएगा, और करना है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो ये देखिए सब्जी हमारी, हम बाउल में निकाल के दिखा रही हूँ कि बिल्कुल स्पाइसी सा कलर भी आया था इसका। बिल्कुल कश्मीरी लाल मिर्च का ज़्यादा उपयोग नहीं करना, क्योंकि हरी मिर्च का उपयोग करो तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी खाने बनते हैं। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली वीडियो में फिर कुछ मज़ेदार लेके मिलती हूँ, तब तक के लिए इस रेसिपी को एक बार जरूर एंजॉय करिएगा। बाय बाय।